तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की वो कॉमर्स वेबसाइट पे चेकआउट के पेज पे ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आ जाए अगर वो क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट करता है विजिटर आपका, एंड वो क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर दें एंड बिना किसी पेमेंट गेटवे के डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे चले जाए, तो ये पॉसिबल बहुत इजीली है। सो कितना आसान है ऐसे क्यूआर कोड से पेमेंट लेना है बिना पेमेंट गेटवे के, एंड आपको इसके लिए फ़ीस देने की भी ज़रूरत नहीं है किसी को भी, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में उसी टाइम पैसा आएगा, ना आपको वेट करना पड़ेगा, ना आपको किसी पेमेंट गेटवे की फ़ीस को झेलना पड़ेगा। सो इस वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना क्योंकि हम इस प्रोसेस को समझने वाले हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट पर वूकॉमर्स वेबसाइट पर स्पेशली लगा सकते हैं एंड आप ये प्रोसेस कर सकते हैं सिंपली। सो इस वीडियो में डिटेल में ये चीज़ें समझने वाले। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम एंड आप देख रहे हैं वेबसाइट थिंग्स, जहाँ पे मैं वेबसाइट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ ऐसे ही। तो चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इस चीज़ को समझने के लिए। ऑलराइट, तो अभी हम आ गए अपने वूकॉमर्स के डैशबोर्ड पर एंड यहाँ पर हम सिंपली उस प्लगइन को यूज़ करने के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पर ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देंगे एंड सर्च प्लगइन्स में आपको सिंपली डालना है UPI QR कोड पेमेंट गेटवे। तो जैसे ही आप ये प्लगइन का नाम डालेंगे आपको यहाँ पर एक प्लगइन दिख जाएगा बाय सयान दत्त, एंड आप चाहें तो आप और भी प्लगइन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपका ये प्लगइन कंपैटिबल नहीं हो तो। एंड मैं इसको सिंपली यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर सिंपली इंस्टॉल हो चुका है, अब हम एक्टिवेट पर क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट होने के बाद आप प्लगइन्स वाले पेज पे अपने आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे, नहीं हुए तो यहाँ पर हम प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन पे आके यहाँ पर आ सकते हैं एंड नीचे आप देखेंगे UPI QR कोड पेमेंट गेटवे वाला प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट भी हो चुका है। एंड अब इसको हम सेटिंग्स में जाएंगे, ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा वूकॉमर्स के सेटिंग्स के पेमेंट वाले टैब में, जहाँ पर आप इस पेमेंट को अनेबल कर देंगे। अनेबल पर टिक करने के बाद यहाँ पर आप टाइटल चाहे तो चेंज कर सकते हैं एंड ये डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट सक्सेस स्टेटस ऑन होल्ड पे रहेगा जब तक आप कंफर्म नहीं कर देंगे, एंड यहाँ पर आपका स्टोर का नाम आ जाता है। अब आपको अपनी UPI ID डालनी है जहाँ पर आपको पेमेंट चाहिए। सो ये सपोज़ हमारी UPI ID है जिसमें आपको पेमेंट चाहिए, ये आप करेक्ट डालना, दो तीन बार चेक कर लेना एंड स्कैन एंड पे नाउ वाला बटन होगा जिसका कलर कोड एंड थीम वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं ऑप्टिमाइज़। एंड यहाँ पर आप कर सकते हैं सेव चेंजेस। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपको वापस से वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर पेमेंट वाले टैब पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से पेमेंट मेथड्स अनेबल्ड हो रखे हैं। सो यहाँ पर रेजर पे वाला अनेबल्ड हो रखा है एंड दूसरा आपने UPI QR कोड वाला अनेबल कर दिया है। अब इसमें आपका चेंजेस ऑलरेडी सेव हो रखे हैं। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं वेबसाइट पर डायरेक्टली। सो यहाँ पर मैं अपना एक कोर्स खोल देता हूँ एंड कोर्स ओपन करने के बाद इसको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा 799 का टोटल हो रहा है एंड इसके बाद हम प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक कर देंगे। एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर चेकआउट पेज पे डिटेल्स डालने के साथ साथ आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा पेमेंट गेटवे के ऑप्शंस। सो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर दो पेमेंट गेटवे के ऑप्शन है, या तो आप रेजरपे के थ्रू करें जो कि आपका पेमेंट गेटवे है, या फिर आप QR कोड के थ्रू करें। सो एग्जाम्पल में मैंने ये डाल दिया है एंड UPI कहाँ का है ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ऑलराइट, सो एक्सिस बैंक ऑलरेडी आ रहा है तो मैं यहाँ पर ये हटा देता हूँ। ये आप UPI अपना फ़ोन पे गूगल पे वाला भी डाल सकते हैं, ये बेसिकली कस्टमर डालेगा जो भी आपकी वेबसाइट पे परचेज कर रहा होगा QR कोड के थ्रू। एंड यहाँ पर ये डालने के बाद सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे हम और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं QR कोड पॉपअप होके आ गया है। इसको आप सिंपली अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, जो कि विजिटर होगा आपका फ़ोन पे गूगल पे या जैसे भी वो पेमेंट कर रहा है वो स्कैन करेगा इस QR कोड को या फिर डायरेक्टली ये UPI ID डाल के पेमेंट कर देगा एंड इसके बाद एक तरीके से ऑन होल्ड चला जाएगा ऑर्डर जब तक आप बैकेंड से वेरीफाई नहीं कर देंगे उस ऑर्डर को, जो कि आप ऑर्डर्स में जाके सिंपली कंप्लीट पेमेंट पे जाके आप कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं उस ऑर्डर को। तब तक उसको कोर्स का या फिर प्रोडक्ट उसका प्लेस नहीं होगा ऑर्डर या फिर कोर्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, तो आप सिंपली इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। अब इससे ये बेनिफिट ये होगा कि आपके जो भी पेमेंट गेटवे चार्जेस डिडक्ट करता है यहाँ पर कोई भी आपके चार्जेस नहीं कटने वाले, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में वैसे आएगा। सो आई होप आपको ये प्लगइन एंड ये QR कोड का प्रोसेस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना अगर आपके लिए ये यूज़फुल है
एंड प्लीज़ शेयर करना इसे एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आपके लिए वेबसाइट से रिलेटेड कितनी सारी वीडियोस लाता रहता हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, मैंने काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है, सो प्लीज़ वहाँ पर जाके चेकआउट कीजिए एंड अपनी लर्निंग्स को इम्प्रूव कीजिए। सो सीधा चलते हैं, इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं एंड मिलते हैं हम अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।